15वीं अगस्त और 26वीं जनवरी जैसे राष्ट्रीय त्योहार हम कितनी शान से मनाते हैं, नारे लगाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जिन पे नाज करे ये दुनिया वो मुल्क है हमारा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ये सारी बातें हमारे लिए चार दिन की चांदनी बनकर रह जाती है। दो चार दिन क्या बीत गए, हम कहने लगते हैं, कैसा दिया तूने देश प्रभु, कहाँ है इसकी शान, जहाँ देखो बस धूल मिट्टी और लोग है हाल बेहाल, और लोग है हाल बेहाल। था सोने की चिड़िया देश, नाम था हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया में से ये कैसे हुआ कंगाल और कैसे हुआ गुलाम। चलो सुनते हैं गाथा इसकी कि फिर कैसे हुआ आजाद ये सारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। सन 1498 में आया वास्को द गामा, किया हमने स्वागत, सोचा मेहमान घर आया। पीछे आए पोर्टुगल, हॉलैंड और डेनमार्क के डेनिश, फ्रांस के फ्रेंची और इंग्लैंड के अंग्रेजी। आए फिरंगी चालाकी से, मांगी हमसे भीख, बोला कैसे करते हो व्यापार, दे दो हमें कोई सीख। दिल के सच्चे थे हिंदुस्तानी, थे नादान दयावान, दया खाकर सिखाया अंग्रेजों को हमारा व्यापार। दे दी अनुमति व्यापार की हमने, दी थी उंगली थामने, उंगली छोड़ उसने हाथ ही पकड़ा, किया हमें लाचार वे। सता स्थापी हम पर उसने, किया हम पे राज, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में उसने स्थापा उसका ताज। भिखारी बनकर आए थे यहाँ, आकर देखे हमारी शान, सोचा ये मुल्क बड़ा बलवान, ये मुल्क बड़ा बलवान। हमारे राजा महाराजाओं को दे दी दास्तान, और खुद बन गए इस मुल्क के राजा, नकली प्रजा नकली राजा, आकर बसे हिंदुस्तान में, अब कैसे बचाए हिंदुस्तान को, ये सोचा खुद भगवान ने। तभी आई एक छोटी सी बच्ची, नाम था मनु बाई रे, बचपन में ही ललकारा अंग्रेज को, बनाया बेबसला चार रे। बड़ी होकर बनी वो झांसी वाली रानी रे, खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी वाली रानी रे। फिर आए सुभाष, स्वामी जी, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद भी, दे दी हमको सीख लड़ने की वो सब सशस्त्र क्रांतिकारी ने। पर बहुत से लोग शहीद हुए इस आजादी की जंग में। तभी आया एक निशस्त्र योद्धा, युद्ध के मैदान में लाया था वो सबके लिए आंधी, अब तो पूरा देश भी उसे पहचाना, नाम था उसका मोहनदास करमचंद गांधी। न उठाई कभी तलवार उसने, न तानी उसने बंदूक, ठानी उसने मन में प्यार से भगाऊंगा दुश्मन को दूर। कई सत्याग्रह के बाद बिना शस्त्र के गांधी के सामने झुक गए, आए थे हमें तबाह करने वो सारे फिरंगी घुटने टेक गए। दिन में भी भारत छोड़ने की हिम्मत नहीं थी, तभी तो आधी रात को ही यहाँ से चले गए, और आखिरकार आजाद हो ही गया ये मुल्क हमारा, जिन पे नाज करे ये धरती ये आसमान, वो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आजादी तो मिल गई हमें, लेकिन हमारी एकता और अखंडितता हिलकर रह गई। हमारे स्वप्न का अखंड भारतवर्ष, हिंदुस्तान और पाकिस्तान ऐसे दो टुकड़ों में बिक गया, और हम जिसे भारत के मुकुट का ताज कहते हैं, वो जम्मू कश्मीर पूरी तरह से हिलकर रह गया। इसीलिए कहती हूँ, उसके सीने में नहीं तो हमारे सीने में सही, वो कहीं भी आग लेकिन जलनी चाहिए, जम्मू कश्मीर जैसे शीतल मुकुट को पाने के लिए हम हिंदुस्तानियों के मन में से धुआं निकलना चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर हमारा था और हमारा ही रहना चाहिए। अब तो हम आजाद है, लेकिन आजादी की रौनक पूरे हिंदुस्तान में दिखनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, वो कहीं भी आग लेकिन जलनी चाहिए। हमें आजाद करवाने में कई हिंदुस्तानी शहीद हो गए, उन शहीदों की कीमत हमें करनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, वो कहीं भी आग लेकिन जलनी चाहिए। बोलते हैं वो हमें कि वो हमें जलाकर राख कर देंगे, क्या पता उसे कि वो परवाने नहीं जो हम हिंदुस्तानियों को जला सके। हम इतने भी दीवाने नहीं कि जम्मू कश्मीर को तुम्हें दे सके।
अरे हमारे यहाँ तो कब्रें भी ताजमहल सी बनाई जाती है, पर हम ऐसे भी अफसाने नहीं कि जम्मू कश्मीर को तुम्हें दे सके। फिर भी जला सको तो जला लो, लेकिन जलाने के बाद हमारी राख को गंगा में डुबा दो, क्योंकि अगर हमारी अस्थियां गंगा में विसर्जित नहीं हुई तो वो भी आपको आवाज देगी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।